हेलो फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून नमस्ते एंड वेलकम टू माय ब्लॉग कैसे हो आप लोग आई होप एवरी वन इज डुंग गुड तो ये थर्सडे का क्लिप है ट्वेल्व uh, थर्टी हुआ है अभी और हम लोग जा रहे हैं मूवी देखने के लिए मैं बहुत टाइम के बाहर जा रही हूँ आई थिंक टेन इयर्स जैसा हो गया जब लास्ट टाइम में कहीं आई मैक्स में ऐसी जगह पे देखने गई हो मूवी बाहर घर पे भी बहुत कम देखना होता है पर डेस्पी uh, uh, केबल फ़ोर आया है डेस्पिकेबल मी फोर आया है तो बच्चे लोगों को देखना है पर्टिकुलरली वीर को तो कल ही देखने जाना था पर कर भूल ही गए थे और अचानक लास्ट मोमेंट पे याद आया तो फिर नहीं जा पाए तो फिर आ बोल रहा था आज तो जाना ही है तो आज हम देखेंगे मूवी और एक्चुअली आज ही फ्रेंड्स आने वाले हैं इवनिंग में तो मैंने बोला आज नहीं जाते हैं पर बच्चे लोगों का होता है ना मूवी जब हम भी छोटे थे ना तो मूवी देखने के लिए जाने का एक अलग ही मजा होता है और उसमें कोई बोलते नहीं आज नहीं जाना तो नहीं सह पाते थे कि नहीं मूवी तो देखना आज जाना ही है तो फिर सोचा चले ही जाते हैं बाकी का काम बाद में देखा जाएगा पहुँच गए हैं हम लोग और वीर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और मूवी है तो फिर पॉपकॉर्न भी रहेगा साथ में तो सबसे पहले पॉपकॉर्न और सोडा बच्चे लोगों को चांस मिल जाता है ना सोडा पीने का वैसे तो चांस मिलता नहीं घर पे सोडा पीने का तो मूवी खत्म हो गया और बच्चे लोगों को बहुत पसंद आया है एज ऑलवेज एज यूजल तो वीर बोल रहा था हम लोगों का दूसरी मूवी भी माइनक्राफ्ट जैसी वॉच करना चाहिए तो भी मैंने बोला कि नहीं अब नेक्स्ट हिंदी मूवी होगी अब मुझे अपनी पसंद का भी कुछ देखना है और गेस्ट आ रहे हैं तो फिर कुछ अच्छा बनाएंगे आज ही बाकी के दिन तो बाहर ही कुछ ना कुछ खाना होगा तो फिर आज आ रहे हैं तो कुछ यमी सा पंजाबी ही मोस्टली बनता है पर अनियन गार्लिक का बनेगा वो लोग अनियन गार्लिक भी नहीं खाते तो मैंने यहाँ पे ग्रेवी के लिए टमेटो गार्लिक को स्किप अनियन को स्किप करके टमेटो थोड़े से नट्स डाल दिए हैं और जिंजर डाल के कुक करने के लिए रख दिया है और थोड़ा सा क्लीनिंग भी होगा तो यहाँ पे डाइनिंग टेबल के लिए एक क्लॉथ ऑर्डर किया था कपड़े का इस बार सोचा कुछ टेबल क्लॉथ हो तो अच्छा बिकॉज बहुत डर्टी हो जाता है तो हम लोगों ने अच्छा लगा तो वॉश करके लॉन्ड्री करके यहाँ पर डाला है तो बहुत अच्छा है मुझे बहुत अच्छा लगा देखते हैं एक बार यूज़ अच्छे से होगा तो पता चलेगा कि जिस तरह से कुछ छीटे वीटे पड़ जाए खाने के बाद तो किस तरह से क्लीन होता है नेक्स्ट टाइम उसको देखना पड़ेगा मुझे अच्छा लगा है अभी तो तो वही चालू है और साथ में मेरा कुकिंग भी चालू है तो यहाँ पे मैंने मिक्स दाल ले ली है और थ्री फोर टाइप्स की चने की दाल टूर की दाल डाल दी उड़द की दाल साथ में मसूर की दाल थोड़ी सी और यही दाल थोड़ी थोड़ी मिक्स करके मैं मिक्स दाल बनाऊंगी वैसे दाल तड़का थोड़ा सा गार्लिक या अनियन पर्टिकुलरली गार्लिक का तड़का डाल के लगाते हैं ना तो अच्छी लगती है पर ये लोग गार्लिक अनियन खाते नहीं है तो सब चीज़ें ऐसी बनानी पड़ेगी वैसे हमारे यहाँ पर जो भी गेस्ट होते हैं ना मोस्ट ऑफ द गेस्ट गार्लिक अनियन के बिना वो लोग गार्लिक अनियन खाते ही नहीं है, तो बच्चे लोग कई बार बोर हो जाते हैं बोलते हैं हैं, कि अनियन भी नहीं खाते तो फिर आ, क्या करना like, कहीं बाहर जाना हो ना तब भी बहुत ट्रबल हो जाती है कि आ, अनियन गार्लिक के बिना का कुछ भी सर्च करना वो थोड़ा सा लाइक लिमिटेड हो जाते हैं तो यहाँ पर रेस्टोरेंट्स है जो जैन फूड सर्व करते हैं तो अनियन गार्लिक का बिना का हो जाता है अच्छे से पर बच्चे लोगों को जो एंजॉय करना होता है ना वो नहीं कर पाते गाली कनियन वाला थोड़ा सा ना हो तो अच्छा रहता है पर सभी लोगों की अपनी अपनी वो होती है ना तो उसी तरह से जाएंगे कहीं बाहर खाने के लिए एंजॉय करेंगे बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं ना तो फन हमारा होगा बहुत दिनों से सोच रहे हैं क्या क्या करेंगे हम और यहाँ पर थोड़ा सा मसाला बनाऊँगी हाँ, पनीर का वो इसलिए क्योंकि बाहर से आए उसमें भी कई बार गार्लिक का अनियन का पाउडर होता है और घर पे भी मैंने बनाया हो तो मुझे याद नहीं है कि मैंने कहीं पे गार्लिक का पाउडर डाला है या अनियन का तो मैंने फ़्रेश मसाला ही यहाँ पे कूट लिया उसी को मैं दाल फ्राई में भी चला जाएगा और पनीर की सब्जी बनाऊँगी उसमें भी यही चला जाएगा तो थोड़ा सा ही बनाया है आ, बाकी हमारे घर में गार्लिक अनियन खाते हैं तो गार्लिक के बिना बच्चे लोगों को भी फ्लेवर थोड़ा सा डिफरेंट लगता है तो वही क्या यहाँ पे मैंने अदरक को भी पीस के रख लिया है ताकि यहाँ पे यूज़ कर सकूँ मैं तो सबसे पहले मैं दाल प्रेशर कुक हो गई है ना तो उसका तड़का लगा दूंगी तो यहाँ पे थोड़ा सा जीरा डालूंगी और हल्की सी अजवाइन डाइजेशन के लिए अच्छा रहता है ना उसी के लिए मैं अजवाइन डालती हूँ पसंद आए तो स्कीप कर दीजिए और बेलिफ डाल के डाल दिया है रे होल रेड चिली वो लोग हींग भी नहीं खाते हैं तो मैं हींग स्कीप कर रही हूँ हींग भी नहीं डालूंगी यहाँ पर और एक बिग साइज़ का टमेटो मैंने चॉप कर लिया है अनियन तो डालना है नहीं तो फिर टमेटो को ही मैं अच्छे से रोस्ट कर लूँगी और यहाँ पे जिंजर की पेस्ट गार्लिक नहीं तो सिर्फ जिंजर की पेस्ट डाल के हल्दी पाउडर डाल के इसे अच्छे से कुक कर लेंगे थोड़ा सा मीडियम तो हाई फ्लेम पे पकाएंगे ना तो एक अच्छा सा फ्लेवर आएगा टमाटो सॉफ्ट हो जाए तब तक और ये ग्रेवी वाला पार्ट है ना वो ठंडा हो गया था तो उसको मैं यहाँ पर पेस्ट बना लूँगी ग्राइंड कर लूँगी तो ये वन फोर्थ कप जितना मैंने डाला है मिल्क पाउडर आप चाहो तो मावा हो ना तो मावा डाल सकते हो बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा और थोड़े से क्यूब मैंने पनीर के डाल दिया हल्का सा यहाँ पे हल्दी पाउडर और क्यूमिन कोरिएटर पाउडर भी साथ में ही डाल दूंगी और इसको अच्छे से ब्लैंड करके स्मूथ सी पेस्ट बना लेंगे थोड़ा सा रेड चिली पाउडर रेड चिली होल भी डाल सकते हो आप जब टोमेटो पका रहे हो ना उस टाइम पर तो बहुत अच्छा लगता है कलर भी अच्छा आ जाएगा और यहाँ पे ग्रेवी जो टमाटो पक रही है ना उसमें मैंने थ्री टू टू थ्री स्पून जितना छोटी वाली स्पून है ना वो मसाला डाल दिया है और ये मसाला बहुत सही बना था जो अनियन गार्लिक का फ्लेवर नहीं आता उसको अच्छे से कवर कर लिया जो फ्लेवर हमें चाहिए ना अच्छा सा टेस्ट वो आ गया था इससे तो हमारे बेसिक ग्रेवी रेडी है उसके अंदर हमारी जो कू हुई दाल है ना मिक्स वाली वो चली जाएगी पानी डाल के आप अच्छे से कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लीजिए और जब सर्व करना होना तो ऊपर तड़का देने के लिए आ, बटर या फिर घी ले लीजिए उसके अंदर रेड चिली कश्मीरी रेड चिली डाल के बस इतना ही तड़का देंगे ना तो भी बहुत टेस्टी लगेगा तो मिक्स कर लेंगे कंसिस्टेंसी एडजस्ट करके इसको तो लो फ्लेम पर थोड़ी देर पकने देंगे सॉल्ट ये सब चीज़ें एडजस्ट करके और यहाँ पर पनीर का मैं तड़का लगाऊंगी तो बटर थोड़ा सा लिया है की सब्जी में थोड़ा सा बटर डाल दो ना तो बहुत टेस्टी लगता है और खड़े मसाले बिल्कुल नहीं डाले थे तो हल्का हल्का सा यहाँ पे बेलीफ और पेपर कॉर्न और बेसिक ही डाला बहुत मसाले नहीं डाला क्योंकि बच्चे भी छोटे हैं दो तो वो भी खाएंगे तो बहुत स्पाइसिस वाला नहीं बनाऊँगी और जो ग्रेवी है उसको छान के भी डाल सकते हो और ऐसे भी डाल सकते हो और इसे अच्छे से पकाएँगे और ग्रेवी थोड़ी सी ज़्यादा है क्योंकि बच्चे लोग खाते है अच्छे से पनीर की सब्ज़ी सबको पसंद आती है और पहले मैंने सोचा था कि मैं सब्जी एक ही बनाऊंगी क्योंकि दाल फ्राई है फिर बाद में मैंने एक सब्ज़ी और भी बना ली क्योंकि घर में भी वो लोग अभी आए नहीं हैं आने तक घर में भी खाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए तो वो सब्जी भी बनाऊँगी तो मैंने यहाँ पे ग्रेवी में पानी एडजस्ट कर लिए थोड़ा सा मसाला जो होममेड बनाया है ना अभी तो थ्री स्पून जितना मैंने डाल लिए साथ में कसूरी मेथी भी डाल दी और अगेन बहुत ज़्यादा रेड चिली नहीं डाला है और बच्चे भी खाएंगे इसलिए तो माइल्ड ही बनाऊंगी सब्जी तो ग्रेवी रेडी हो रही है दूसरी तरफ मैंने राइस ऑलरेडी कुक कर लिया है बासमती राइस को उसको मैं तड़का लगाऊंगी तो बटर ले लिया है बटर के साथ में मैंने जीरा को थोड़ा सा गरम होने तक डाल दिया और यहाँ पे थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ तो आप जीरा राइस बनाओ तो थोड़ी सी धनिया की पत्तियाँ इस तरह से डाल लो ना बटर के साथ रोस्ट करके तो फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा फ्रेग्रेंस अच्छी आएगी और लुक भी अच्छा आएगा तो हल्का सा सॉल्ट मैंने वैसे कुक करते टाइम थोड़ा सा सॉल्ट डाला था तो बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे सॉल्ट हल्का हल्का सा थोड़ा सा बेसिक फ्लेवर देने के लिए बस राइस डाल के इसे अच्छे से टोस्ट कर लेंगे तो बटर में इसे टॉस करेंगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा तो हमारा राइस भी रेडी है ऑलमोस्ट थोड़ा सा धनिया के पत्ते डाले हैं ना तो लुक बहुत अच्छा आएगा वाइट के साथ ग्रीन कलर का ग्रेवी को अच्छे से पकाएंगे कंसिसंसी भी थोड़ी सी एडजस्ट कर लेंगे और रोटियाँ मैं घर पे ही बनाऊंगी जो सिंपल वाले प्लेन पराठे ना वो बनाऊंगी पहले मैंने सोचा था कि मैं नान बाहर से ले आऊँ फिर सोचा बाहर दो तीन दिन खाना होगा ना तो बाहर तो मैदे वाला ही आएगा तो आज मैं गेहूँ के आटे की रोटियाँ ही बना लूँगी और यहाँ पे दूसरी सब्जी बनाऊँगी तो यहाँ पे मैंने मस्टर्ड सीड्स और डाले हैं साथ में थोड़ी सी अजवाइन और जीरा बेलिफिक यहाँ पे डाल दिया है और साथ में मैंने जिंजर की जो पेस्ट बनाई थी उसको रोज कर लेंगे तो सिंपल सी कॉलीफ्लावर और पीस की सब्जी बनाएंगे एकदम बेसिक सी पर बहुत टेस्टी लगती है इस तरह से आप बना के देखिए तो कॉलीफ्लावर का जो फ्लेवर आता है ना वो आता है हम बहुत ज़्यादा स्पाइसिस डाल देते हैं ना तो कई बार जो वेजिटेबल की अपना जो फ्लेवर होता है ना वो चला जाता है तो बस सिंपल सा तड़का देंगे यहाँ पर मैंने थोड़े से करी पत्ता भी डाल दिए और इसको हल्का हल्का सा रोस्ट करने के बाद छोटे छोटे पीसेस किए हैं बहुत बड़े बड़े नहीं कॉलीफ्लावर के इसमें आप चाहो ना तो एक पटेटो भी डाल सकते हो पर कॉलीफ्लावर और पीस आ, वैसे हमारे यहाँ मेरी मम्मी बनाती थी कॉलीफ्लावर और तूर के दाने तो उसकी सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगती है तो एक बेसिक वाली सब्ज़ी बनाऊंगी बाकी का सब पंजाबी फ्लेवर का वैसे घर में कोई आ रहा हो ना तो मोस्टली आजकल ऐसा ही होता है कि कोई ना कोई पंजाबी फ्लेवर की ही डिश बन जाती है अब टिपिकल ऐसे गुजराती फूल थाली मैंने बहुत टाइम से नहीं बनाई कभी बनाऊंगी अब सो, आ, बनाते बनाते मैंने सोचा कि मैंने बोल सकते हैं ना प्योर गुजराती थाली बहुत टाइम से सालों से नहीं बनाई एक्चुअली एक ना एक तो नॉर्थ इंडियन डिश कोई ना कोई अंदर आ ही जाती है पनीर की मेन सब्जी आ जाती है तो खैर यहाँ पे सब्जी रख दी है कुक होने के लिए दूसरी टाइप मैंने यहाँ पे भी थोड़ा सा पीस डाल दिया कुक करेंगे अच्छे से और इसके अंदर पनीर चॉप करके डाल देंगे पनीर मैं कच्चा ही डालूंगी थोड़ा सा रोस्ट करके डालें तो अच्छा लगता है पर अगेन बहुत ज़्यादा घी ऑयल हो जाएगा ना तो मैंने यहाँ पे कच्चा ही डाल दिया पनीर डालने के बाद इसे कवर करके थोड़ी देर छोड़ देंगे तो बस हमारी सब्जी रेडी हो जाएगी यहाँ पर मैं कोई क्रीम या ऐसी चीज़ें नहीं डालूँगी क्योंकि ऑलरेडी मिल्क पाउडर डाला है तो बहुत ज़रूरत नहीं पड़ेगी अच्छी सी क्रीमी सब्ज़ी बनी थी और बहुत दिनों से रेन रेन करके सोच रहे थे रेन आ ही नहीं रहा था आज तो थोड़ी थोड़ी रेन स्टार्ट हो गई है तो हस्बैंड को बाहर बोल रहे थे कि आज तो मैं रेन में मजे करूँगा क्योंकि बहुत दिनों से नाइन्टीज़ में टेम्परेचर जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि बस अब तो रेन हो जाए यहाँ पे अराउंड थ्री फोर वीक्स हो गए और रेन नहीं हुआ था तो हम लोग एंजॉय करने के लिए बाहर आ गए वैसे मेरे प्लांट्स भी रेन वाटर के लिए बहुत ही ऐसे उतावले हो रहे थे कि बस रेन आए ना तो मेरे प्लांट्स को भी थोड़ी सी हैप्पीनेस मिले रेन वाटर को देख के प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं और मेरे हस्बैंड भी उतने ही हैप्पी हो गए थोड़ा सा रेन स्टार्ट हो गया तो तो खैर मैं आ गई और थोड़ी सी रोटी के पराठे के लिए भी आटा लगा लूँगी तो यहाँ पे मैंने घी लगा डाला है इसमें मेल्टेड साथ में हल्का सा सॉल्ट और जीरा डाला है बस इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो इससे थोड़ा सा फ्लेवर भी आएगा बहुत ज़्यादा नहीं हल्का हल्का सा ही डाला है और ये पानी है ना वो हंग कड़ का पानी है तो मैं श्रीखंड या फिर लस्सी कुछ ना कुछ बनाना होगा तो मैंने हंग कड़ बना लिया है उसका पानी है उसको इस तरह से रोटी बनाते समय यूज़ कर लो ना तो आपकी रोटियां पराठे सभी अच्छे से सॉफ्ट बनेंगे और इसमें प्रोटीन भी बहुत होता है ये पानी में तो वो भी यूज़ हो जाएगा और ये कल का वीडियो है कल हम लोग गए थे इंडियन स्टोर बच्चे लोग भी रहे हैं ना तो थोड़ा सा कुल्फ़ी आइसक्रीम ऐसी चीज़ें भी ले आए तो वहीं गए थे पटेल ब्रदर्स और यहाँ पे वीर काउंट करा रहा था कौन कौन सी रेस्टोरेंट है वहाँ पे हम जा सके बच्चे लोगों को बाहर घूमने फिरने का बहुत ही अच्छा लगता है अपनी एज के बच्चे घर में आते हैं तो उन लोगों को बहुत ही मज़ा आता है तो बस इसी के साथ आज का व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करते हैं आई होप आप लोगों को व्लॉग्स पसंद आ रहे हो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए मिलते हैं अगले व्लॉग में तब